राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। आज बैसाख सादा है तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम मंदिर जाएंगे, भोग प्रसाद बनाएंगे। तो चलिए अंदर पहले भोग प्रसाद बनाते हैं, फिर मिलते हैं। दीदी बना रहे हैं हलवा। मैंने आटा रखा है गूंद के रोटी के लिए। ये गुड़ है। इस प्रकार की रोटी स्पेशली बैसाख साजी पर बनाई जाती है और इस तरह से गोले लगाए जाते हैं इस पर। इसी का ही भोग चढ़ाते हैं देवता को। और यहाँ पर ये बैसाख साजी पर स्पेशल फूल बुरांस के। और तो अभी जा रहे हैं हम कुल देवता के मंदिर। फूल भी ले गई हूँ मैं और भोग भी चढ़ाने के लिए। के मंदिर, भैया दीदी और पति देव जी, पूजा शुरू हो गई है। जो प्रसाद बनाया है उसको भगवान को चढ़ाएंगे, धूप आरती करेंगे। ये है मंदिर, ये हमारे कुल देवता का मंदिर, दर्शन करके दिखाती हूँ। और ये बड़ा सा पेड़ है यहाँ पर मंदिर के ठीक सामने, मंदिर की शोभा बढ़ाता है। दर्शन हमने कर लिए हैं। ये देखिए, अब पुजारी छत पर है, नीचे धूप भी लगी है। यहाँ जल्दी धूप लगती है गांव में, थोड़ा सा मौसम खराब है आज, है ना। यहाँ हमने दर्शन कर लिया है। बैसाख साजा मतलब बुरांस के फूल। ये है गांव का खूबसूरत सा व्यू, हरे भरे खेत है। और अभी जा रहे हैं हम अपने घर को, काम चला है। भैया और तो पहले ही चले गए हैं, जो मिस्त्री है हमारे। और ये वाली जो जगह है ये मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पर बैठ के आराम से हम एक छोटी सी पिकनिक मना सकते हैं। ये है वन का पेड़ और ये है देवदार, 1 2 3 4 5 और बहुत ही लंबे। और यहाँ पे सिटिंग एरिया है थोड़ा सा, और यही घर है। तो जब हम यहाँ पर रहने आएंगे तो यहाँ अच्छे से डेकोरेट करेंगे, टेबल कुर्सी रखेंगे। और ये है घर, तो चलिए चलते हैं। ये है फ्रंट व्यू। यहाँ तो अभी पूरा ऊबड़ खाबड़ ही है, सीमेंट रेत टाइल्स यहाँ पर रखी है। ऊपर थोड़ा सा फिनिश है, हल्का सा ही। चल 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 चल, ये है हमारे सिंगर। और ये है यहाँ से अमेजिंग सा व्यू और सामने हिमालय पर्वत। ये है इनकी सफाई काम करने की। ये है ऊपर देवता आदि ब्रह्मा जी का मंदिर। और ये बड़ा सा एक पत्थर, और इसके साथ ही यहाँ पर ये नाशपाती का पेड़। गिरते हैं ऐसे मत भागो। और यहाँ से व्यू इस तरह का, बहुत ही सुंदर सा। तो ये है
हमारा घर, बहुत सारा काम अभी बाकी है यहाँ पर। चलो चलते हैं वापस, भैया और काम कर रहे हैं। बच्चों को भी नहलाना है, फिर खुद भी रेडी होना है। जौ की खेत यहाँ से, ये वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। दीप्ता के बाहर निकले का मुहूर्त हो रहा है, अब तो बजा रहे हैं इसको। हम रेडी हो चुके हैं, अभी हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं। दीप्ता जी का एक धार्मिक स्थान है वहाँ पर, वहाँ सभी श्रद्धालु आते हैं। 300-400 की संख्या रहती है वहाँ पर। पति देव जी और देवर जी सुबह ही जा रखे हैं, पापा जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो भगवान जी के आशीर्वाद से और आदि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से हमने धाम का आयोजन किया है। धाम होती है खाने पीने की व्यवस्था। तो अभी हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना रेडी हो चुका है। यही वो पवित्र जगह है जहाँ साजे पर हमारे देवता जी आते हैं और बहुत ही खूबसूरत है ये पीछे व्यू, बहुत ही सुंदर। अभी हम जा रहे हैं देवता को फूल चढ़ाने के लिए, उसके बाद हम फिर खाना खाएंगे। ये बहुत ही पुराना मंदिर है देवता का, शायद 7-800 साल पुराना होगा ये।